Come on, carry on. मैं पानेरी साहब जो हमारे जनरल हेड हैं अहमदाबाद जोन के, उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ ब्रीफ आपको मैनेजर से भी है और हम लोग को कैसे काशा में आगे आना है, किस तरह से हमें फ्री वे इनकम बढ़ानी है उसकी बात भी है। उसके साथ साथ हमारा जो गौर अभी एनपीए है उसे शेयर करें, उनकी बातें भी हम लोगों ने सुनी है। तो ये सारी बातें करके फिर हमने आज के लोगों की जो कुछ क्वेरीज थी वो हमारे फैमिली डिपार्टमेंट में उन लोगों को समझाया है कि कैसे हम लोग गवर्नमेंट रिव्यू करेंगे और उनके जो आइडियाज है और जो भी उनकी कंसल्टेशन है उसे हमें अलग अलग 9 ग्रुप बनाए हैं। हर एक ग्रुप का एक चीफ मैनेजर जो है वो उसका लीडर है और बाकी जो ब्रांच उनके से 2 दिन हमारे लिए जो 17-18 और गुजरात और राजस्थान में 18-19 को ये वर्कशॉप आयोजित करा गया है। हर एक हमारी जानकारी भी उनके पास है तो मैं समझता हूँ कि हमारा ये जो 2 दिन का वर्कशॉप है उस वर्कशॉप में हम लोग जो मनोमंथन करेंगे, हम लोग जो करेंगे वो सारी चीज़ें हमें ब्रांच में जा कर के इसको इम्प्लीमेंट भी करनी है हमारे आइडियाज़, क्योंकि हम इतने सारे 72 लोग इकट्ठे। सबसे पहले तो मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं बाहर गया था तो मैं आने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। और इसी बीच में हो रहे हैं और इसका इम्पोर्टेंस इतना क्यों है कि ऑल इंडिया लेवल पे 1700 रीजन, मतलब सभी बैंकों को मिला के 1700 रीजन और जो इम्प्रूवमेंट का आप गुंजाइश जानते हो वो जो नेचर का जाएगा स्टेट लेवल वाइज जो ये समिटेशन होगा अपने सभी आइडिया को, इसलिए अभी सब बैंक अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं तो यूनिफॉर्मिटी आएगी। और दूसरा जो है जो कुछ नया इम्प्रूवमेंट लाना है गवर्नमेंट के लिए बहुत आधार होगा। अभी तक क्या होता था 25-50 लोग बंद कमरे में, ध्यान होगा कि करीब 86 सर्विस एरिया को उस समय भी धंधे वाले हैं तो वो इसलिए किया जाता है उस समय ये चाह रहे थे कि विलेज लेवल पे हम प्लान बनाए, शायद वो तो भी बंद हो गए, विलेज लेवल प्लान तो भी बंद नहीं हो गए, फिर अपने ब्रांच का जो है हम प्लान बनाए। ये लगभग उसी तरह का है लेकिन इसमें देखा जाए तो हम जो मेजर हमारा बैंकिंग से लेके क्रेडिट पोर्टफोलियो के सभी है, यहाँ तक कि एनपीए को इसमें शामिल किया है। सर आपका आज का जो 2 दिन का सत्र है वो किसके लिए और वो कहाँ से आपको जो भी ये मिला है वो केंद्र सरकार का? हाँ, ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का उनके जो है इंस्ट्रक्शन के आधार पे ये सभी बैंकों में आज और मतलब 2 दिन का लगातार ब्रांच लेवल से जो है अलग अलग बिजनेस पैरामीटर्स होते हैं उसके आइडिया जनरेशन क्या होना चाहिए, किस तरह के जो है सजेशंस उनको ऊपर तक पहुंचाना है। तो ब्रांच लेवल के जो प्रोग्राम 2 दिन चलेंगे अभी हमारे यहाँ सभी हमारी ब्रांचेज खेड़ा जिले की, खेड़ा रीजन की सभी ब्रांचेज इसमें शामिल है, हमारे रीजनल ऑफिस, रीजनल मैनेजर, यहाँ तक कि जो मैं अहमदाबाद से आया हूँ, हम सब मिलके 2 दिन तक अलग अलग पैरामीटर पर डिस्कशन होगा जिसमें जैसे कासा डिपॉजिट में हमको क्या करना है, कैसे इम्प्रूवमेंट हो और कस्टमर सर्विस हम अच्छी करें उसके लिए कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट पोर्टफोलियो में हमारा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में मेन एग्रीकल्चर होता है तो एग्रीकल्चर में जो है बैंकिंग का जो है लोन फैसिलिटी और ज़्यादा बढ़ाएं उसके लिए हमें क्या सजेशन देना है। पिछले 5 साल का जो लेखा जोखा भी हम करने वाले हैं कि पिछले 5 साल में हमारे रीजन में हमारी ब्रांचेज में हमने क्या क्या काम किया अलग अलग पैरामीटर पर और आने वाले समय में ये जो 2 दिन का जो एक तरह से ये वर्कशॉप है या सम्मेलन बोल सकते हैं आपस में मिलके फाइनली ये तय किया जाएगा कि हमको किस तरह का जो है आयोजन करना है या किस तरह से प्लानिंग करना है कि जिससे हम और बेहतर बैंकिंग सुविधाएं बढ़ा सकें और जो बैंकिंग बिजनेस बढ़ा सकें और साथ के साथ हमारे बैंक का कैसे पोजिशन करेगा। और ये खाली यहीं पर ख़त्म नहीं होना है, रीजनल ऑफिस लेवल पर ये सब चर्चाएँ होगी, उसके आधार पे जो एक कंपाइलेशन होगा डाटा का होगा और सजेशंस का होगा वो जो जाएगा हमारे स्टेट लेवल पे जाएगा, जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्टेट लेवल का जो SLBC है उसके स्तर पे सभी बैंक जो गुजरात स्टेट में काम कर रहे हैं
वो सभी बैंकों का मिलके एक कंपाइलेशन होगा कि किसके किस तरह के आइडिया आए, सजेशन आए कंसल्टेशन, मतलब बिजनेस बढ़ाने के लिए। और स्टेट लेवल पे एक जब बनेगा फिर वो नेशनल लेवल पे उसका हमारे बैंक में जाएगा और फिर सरकार जो है उनके अलग अलग विभाग मिलके बैंकिंग वालों के साथ मिलके ये डिसाइड करेंगे कि आने वाले समय में बैंकिंग का स्वरूप और कैसे बदला जाए, उसमें क्या अच्छे सुधार या नए आयाम जोड़े जाएं जिससे कि बैंकिंग जो है कंट्री में जो है हमारा नेशनल इकोनॉमी में हमारा रोल और अच्छा बढ़े। इसके अलावा जो प्रायोरिटीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज, जो मतलब अलग अलग प्रायोरिटीज होती है, जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है या जन प्रधानमंत्री जन योजना जो होती है उनमें और कैसे सुधार लाए वो नेशनल लेवल पे तय होगा। हमारा अभी आयोजन हमारा सीमित है, हमको खेड़ा रीजन के लिए क्या करना है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और जो हमारे लेवल से हम समेकेशन करके डेटा जो है हम दो दिन बाद हमारे स्टेट लेवल पे भेजेंगे, फिर और आगे जो है कंपाइलेशन होगा। तो दो दिन का आयोजन का कुल मिला के मकसद यही है कि बैंकिंग में एक तरह से व्यवस्था में या बैंकिंग की जो अभी वर्तमान में जो हमारी योजनाएं चलती है उसमें कैसे हम सुधार लाएं, उससे जो है जनहित के जो बैंकिंग के जो योजनाएं चलती हैं उनमें हम और अच्छी गुणवत्ता प्रदान कर सकें। नमस्कार, हूँ महेंद्र वाला, रीजनल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा खेड़ा रीजन। आज रोज भारत सरकार ना नाणा मंत्रालय द्वारा जे जुदा जुदा मुद्दा उपर अमने मीटिंग राखवानुं सूचना आपवामां आवी छे, ए प्रमाणे अलग अलग स्कीम माटे जे आइडिया जनरेशन अने कंसल्टेशन माटे बे दिवसनो अमे खेड़ा जिल्लाना दरेक अमारा शाखा मैनेजरोनो आ वर्कशॉप राखेलो छे। आ वर्कशॉप दरमियान अमे छेल्ला चार वर्षमां अमारी ब्रांचोए दरेक फील्डमां शू शू काम कर्युं छे एनी अमे मूल्यांकन करीशुं अने ए मूल्यांकन करता करता अमे जे कार्यक्रमों सारी रीते कर्या छे एमां केवी रीते सारी रीते थयुं छे एना जे कारणो छे ए अमे सरकारने जणावीशुं, एना माटे शू आइडिया अमे लगावेला ए आइडिया बतावीशुं अने ज्यां अमे कोई कार्यक्रममां के कोई काममां अमे क्यां थोड़ा ऊणा उतर्या छीए त्यां साथी ऊणा उतर्या छीए तेना कारणોની તપાસ કરીશું અને એ કારણોને દૂર કરી અને ભવિષ્યમાં જે સરકારની જુદી જુદી યોજનાઓ છે, બેંક દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી જુદી જુદી જે અમારી પ્રોડક્ટ છે એ પ્રોડક્ટની અંદર અમે જે કંઈ સુધારો કરી શકીએ એ સુધારાઓનું અમારા રિજનલ લેવલેથી દરેક મેનેજરોના જે સુઝાવ છે, દરેક મેનેજરના જે આઈડિયા છે, દરેક મેનેજરે જે કર્યું છે એના મૂલ્યાંકન પછી જે આઉટકમ આવે છે એ આઉટકમનો એકત્ર કરી અને અમે એને સ્ટેટ લેવલ જેને SLBC કહેવામાં આવે છે ત્યાં મોકલવામાં આવશે। SLBC લેવલે આખા સ્ટેટના આંકડા ભેગા કરવામાં આવશે, આખા સ્ટેટના આઈડિયા લેવામાં આવશે અને એને ઉચ્ચ લેવલે નેશનલ લેવલે આનું મૂલ્યાંકન કરી અને સરકાર તથા જુદી જુદી બેંકો એને કેવી રીતે અમલમાં મૂકવું અને જુદા જુદા જે પ્રોડક્ટ્સ છે, જુદી જુદી સરકારી યોજનાઓ છે એમાં સફળતા કેવી રીતે હાંસલ કરવી એના માટે